हाँ साहब आपकी तरफ आऊँगी जिस तरह से आपने देखा पीपल्स पार्टी का भी आपने मौक़ सुन लिया नूली का भी आपने मौक़ सुन लिया और जबकि अगर पी डी एफ हुकूमत की सोलामा की बात की जाए तो तब इनका मौक़ कुछ था इंतबाब को लेकर और आज जो हैं ये दोनों जमातें कह कुछ रही हैं और करती कुछ हैं ये देखें बुनियादी तौर पर देखने और लिखने के लिए और हमारे कानूनी और आइनी अदारों में अगर हम देखें तो वहाँ पर उन्नीस सौ तिहत्तर का आइन तो मौजूद है लेकिन अमली तौर पर हमें आईने पाकिस्तान उन्नीस सौ तिहत्तर पर किसी जगह मदरामद होता दिखाई नहीं दे रहा और यह कितने शर्म का मुकाम है इन सियासतदानों के लिए जो माजी में हुकूमतें करते रहे में रहे जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जिस आइन को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमतें बनाई गई इकतदार में आते हैं ये सारा सिस्टम चल रहा है इसकी इसका भी कोई एहतराम है इसका भी कोई आदाब है इसके भी मामला हैं इसको भी लेकर चलना है जो आता है वो आइन को पामाल करता है नजरअंदाज करता है पाँव में रोंद कर रख देता है और अपना अपने मुताबिक वो आइन की तशरी करता है और चला जाता है जिसको नहीं पसंद आता जिस जिसके मजाज के मुताबिक नहीं होगा वो उसको नज़रअंदाज कर देता है वहाँ पर आइन को कोई नजर आइन को, को मानने वाला ही नजर दिखाई नहीं देता और यही जो आज जो इलेक्शन की बातें कर रहे हैं उस वक्त अगर आप माजी में पी डी एम के दौरेकूमत में जिसका आपने हवाला भी दिया उस वक्त इन्हीं के लीडरान की अगर स्टेटमेंट उठा के देखें मुझे याद है कि शायद अप्रैल 2023 में इसाक डार साहब ने कहा था कि दो तीन माह में अगर इलेक्शन नहीं हो पाते तो फिर महीने बाद आ, हो जाएंगे, तीन चार महीने बाद इस तरह की स्टेटमेंट थी शायद छब्बीस अप्रैल की बात है तो जी उस वक्त मुझे ये स, जो है मुझे समझ नहीं आती कि हाँ... वो वो गुफ्गु करते हवाला तो जी जी दे, दे रहा था तो ये जो है ये तुरम खान सियासतदान जो बातें करते थे आइन पाकिस्तान की क्या उस वक्त इनको आईन याद नहीं आया जब ये बात करे थे तीन चार महीने इंतजाम जो है वो ताकी का शिकार हो जाएंगे तो क्या तूफान आ जाएगा उस वक्त से लेकर आज तक हालात खराब करने की जुम्मेदारी इनकी है और हालात बेहतर करने की जुम्मेदारी मैं जो मैं समझता हूं वो रियासत पाकिस्तान की है हालात खराब किए इन सियासतदानों ने जो पंडोरे बॉक्स इनके खुले मुझे याद आ रहा है कि इनका पीडीएम का दौरे हुकूमत था तो उस वक्त एक ब्यूरोक्रेट्स का पांच रुकनी ग्रुप जो है वो उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के पास गया और उन्होंने कहा कि हम इतने फंसे हुए हैं इतने परेशान हैं कि जो वुजरा है वो ठेकों के हवाले से भी उन्होंने इल्जाम लगाए कमीशन के हवाले से भी इल्जाम लगाए तकर तो तबादले तो के हवाले से भी इल्जाम लगाए और कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करें तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करने के बाद डॉक्टर तोकीर शाह साहब थे उन्होंने फिर आगे उन ऑफिसर्स को क्या जवाब दिया उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से डायरेक्शन है जिस तरह तरह किस भी है मामला जो है वो आगे को चलाएं चोरें आप इसी को के चले। फिर वो किन किन की आप बातें कर रहे हैं लेकिन मैं इस पर बात करूंगा लेकिन हालात कुछ नहीं हुए और उन्होंने मैं इसलिए बार बार बात करता हूं कि पीडीएम दौरे हुकूमत का सिर्फ आप ऑडिट करवा ले तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस हद तक इन्होंने लूट मार के जो है वो फैक्ट्रियाँ लगाई कारखाने लगाए जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते जिनको आइन याद नहीं आता जिनको नब्बे दिन में बात करवाना याद नहीं आता आज वही लोग जो है वो इंतखा से भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और इनडायरेक्टली ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इंतखात होने चाहिए आज देखिए अगर इंतबात होते हैं तो बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून को जो है वो फायदा तो होगा लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर जो हालात खराब हो चुके हैं वो आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट जितनी वो सीट एडजस्टमेंट आईपीपी आई करवाना चाहती है या करना चाहती है या जहां से भी प्रेशराइज कर रही है नून लीग को वहां पर नून लीग काफी हद तक परेशान है अब आ, कल की मीटिंग में आ उनके ये जो सेनेट में कर्ारदादा पास हुई तो उनके मामला उनके इल्म में था एक दो रोज़ कबल से उनके इलम था कि ये सेनेट में ये कर्दादा पास होने जा रही है जिसकी वजह से जो सीटों की अनाउंसमेंट उन्होंने करनी थी एक एक रोज़ कबल उन्होंने खामोशी से जो है वो पेंडिंग कर दी जिसमें लाहौर की कौमी इसम्बलियों की सीटों का मामला था पंजाब की सीटों के मामला थे आई पी पी की सीटों के मामला थे जिसमें उन्होंने खामोशी से उसको जेरअलतवा रखा मैं ये समझता हूं कि यह बाकायदा एक सिर्फ बाप पार्टी या किसी एक सियासी जमात की तरफ से सेनेट में क़रारदात पास नहीं की गई बल्कि तमाम की मुबैना तौर पर जो है वो मुशावरे से यह मामला जो है वो सैनट में लाया गया और जिस तरीके से जो है वो जल्दबाजी में इसको पास किया गया वो भी सबके सामने है और फिर जिस आपको याद है कि यही करारदादे कौमी असम्बली से उठा के देख लीजिए सैनट की एवान से उठा के देख लीजिए इसमें एक नहीं है इसमें बेशुमार किस्म की, की ऐसी हसास किस्म की, की करारदादे भी जो है वो पास हुई हैं जिस पर आज तक अमद दराम होने पर अगर आए तो फिर कौन वो करेगा लेकिन सवाल यह है कि जब

तो फिर भी सवाल उठते हैं कि जमूरियत ये कहते हैं खतरे में आ गई लेकिन एक चीज हमें माननी पड़ेगी जिस जो इस वक्त हलात गुजश्ता हमने निगरान सेटअप में देखे हैं खासतौर तो पर पंजाब हुकूमत ने देखे हैं वहाँ पर तो शहबाज स्पीड का नाम भूल गए लोग वहाँ पर तो मोशन स्पीड याद करते हैं इसी तरह वफाक में भूल गए कौन आए थे माजी में कौन नवाज था कौन शहबाज था कौन इमरान था किसने क्या हुकूमत की वो तो आप ऐसे ही अफसी के परफॉर्मेंस को याद रखते हैं वो तो आप देखते हैं कि रियासत पाकिस्तान किन मामला को किन प्रोजेक्ट पर लेकर आई है वो तो उनके जो है वो सिस्टम को आगे लेके चलना चाहते हैं यह एक सेपरेट सिस्टम है लेकिन बाद वहीं पर आती है

लेकिन मुझे समझ नहीं आई आपने कहा कि लोग शहबाज शरीफ को भूल गए हैं और अब याद करते हैं मोहसिन नकवी को ये कौन से लोग हैं पंजाब के जो मोहसिन नकवी साहब को आ, का नाम लेके सड़कों के अंदर आ, धमालें डाल रहे हैं ये आप मिले हैं एक लोगों से कभी देखें साहब सारे फिल्म में एज ए रिपोर्टर भी जाता हूँ दो चार चीज़ें बहुत कैटेगोरिकली मैं आपको बताऊँ देखें हेल्थ का निज़ाम जो शहबाज शरीफ साहब दावे करते थे कि उन्होंने बहुत बेहतर कर दिया मैंने जाके हालात देखे उस वक्त भी रिपोर्टिंग की बुजदार दौर में हुकूमत में भी आ, मैंने रिपोर्टिंग की और आज भी जब मैं जाके देखता हूं तो इंतहा का जो है वो तूफान बदतमीजी हॉस्पिटल में था हालात खराब थे फिर क्या हुआ मोहसिन नकवी साहब ने उन्होंने एक बहुत अभिजन देखिए मेरी बात बात तो सुन लीजिए ना चीफ मिनिस्टर तो कभी तो आए नहीं अब सवाल का जवाब तो वो लोग ना। कौन से हैं जो अब सवाल का जवाब तो लीजिए ना देखिए उस वक्त मेडिसिन मिलती थी या नहीं मिलती थी इमरान खान का दौर आया उन्होंने हेल्थ कार्ड मुतारिफ कराया लोगों को सहूलियात मिलना शुरू हुई वो भी बड़ा, वो भी बहुत खराब था अब आगे आइए ना उसके बाद एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ और फिर वहाँ पर मशीनरी को एक्टिव किया इसी तरह जो सड़कों के मामला थे उनको बेहतर किया अब तीसरा मामला जो इनके लिए चल रही है आप ये कहना चाह रहे नहीं नहीं मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है आप एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देख लें उनकी जिस तरह की एस आई एफ सी के साथ कोऑर्डिनेशन है बाकी किसी की नहीं ये बात सारी दुरुस्त है मोहसिन नकवी साहब एक अच्छे परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर होंगे लेकिन मैं हसन की शोला बयानी की बात कर रहा था कि सड़कों के लोग पंजाब के मोहसिन नकवी को याद करते हैं और बाकियों को भूल गए हैं और एक बात सही है नहीं, जो उसको करना चाहिए सॉरी मैं गुज़ारिश करूं जी जी मैं गुजारिश करूं देखें हमारी बात सुन के हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी बात सुन के शायद कुछ फ़ैसला करने वाले और फिर बाकी पाकिस्तान के दीगर लोग जो चंद टेलीविज़न अब देखते हैं आ, वो सुन के शायद कोई ओपिनियन फॉर्म करें उनको को लगे कि ये तो हमारी बात में थोड़ी सी मैं इसमें एक्यूरेसी लाना चाहता हूँ ये बात दुरुस्त है कि इंटर गवर्नमेंट बहुत अच्छे कुछ जगहों पे काम कर रही है ख़ास तौर पर इकनॉमिक साइड के ऊपर फेडरल फेडरल साइट के ऊपर भी और प्रोविंशियल पे भी गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी पॉलिसीज दी उससे पहले के 18-20 महीने तो आपने देख ही लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लोग शमशाद अख्तर सा, साहिबा के लिए पाकिस्तान के तूलो अर्ज में दुआएं कर रहे हैं कि यही चलती रहे इन दो चीजों के अंदर फर्क है हमें आ, आ, हम, ये, ये फर्क है हमें परफॉर्मेंस uh, और पॉपुलैरिटी को अल्लाह करे के ज़महूरियत के अंदर ये कनेक्ट हो जाए पाकिस्तान के अंदर लेकिन इस वक्त ये बात हकीकत नहीं है ऐसे लोग जिनकी बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी वो वह पॉपुलर रहे हैं सियासत के अंदर उसको किसी तरीके एड्रेस करना है मोहसिन नकवी साहब ने बड़े कमाल काम किए होंगे ल, लेकिन थोड़ा इस, इसका ये मतलब नहीं कि है 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 कि, कि पब्लिक हो, लेकिन उस्मान बुजदार साहब हो बेसिकली शायद साद साहब ये कहना चाह रहे हैं हसन साहब मुझे तो यह समझ आ है। नहीं मैं देखे बात किसी और तरफ चलेगी मैं तो सिर्फ इस मुद्दे पे तो कहना चाह रहा हूँ करे पंजाब में हसन साहब हों और वफाक में अदील साहब हो

इतिहाद की तरफ आते तकसीम जो रवायत चल पड़ी थी उसको खत्म करते ये गालम गलोच वाला मामला ये तकसीम दर तकसीम वाला मामला इसको खत्म करके मुठिध होकर बैठते और रियासत पाकिस्तान के साथ मिलकर मुल्क का सोचते इन्हीं की जो है वो गलत और नाकस और नाइलियो की वजह से आज पाकिस्तान इस पोजिशन पर है कि हमें ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं हमें कहीं देखते तो हमें खाई नजर आती है इसका इसलिए तो मैं बात कर रहा था कि ये जो मौजूदा सिस्टम है इससे कम अज कम सीख लीजिए कि ये कम अज कम काम तो कर रही है हमें कहीं ना कहीं तो साइड पर लगना है यही आज भी मौका है तमाम सियासतदान बैठे हमें इंतखाबात की तरफ जो है वो और की मेरिटानों को अपनी माजी की गलतियों से सीखना होगा